होती है, ये वहाज मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाई मामा, आप ठीक है? घर पे सब ठीक है? वालेकुम अस्सलाम बेटा, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस बीजान की कुछ तबीयत ठीक नहीं है बेटा। क्या हुआ नानू को? बस मेरा तो ख्याल है वो बहाज को बहुत मिस कर रही है। और फिर अब तुम्हारे बड़े बाबा भी तो अकेले हो गए ना, उनका अकेलापन भी बीजान को खल रहा है। और पता है क्या, शीरिन को भी बहुत मिस करती है वो। यही सोचती रहती है ये पता नहीं सब कुछ कैसे ठीक हो पाएगा। बड़े मामा, परेशान होने से कुछ हासिल तो नहीं? एक झटके में सब कुछ बिखरा जरूर है, लेकिन उसे समेटने में सालों लग सकते हैं। आपके समझाने पे मैंने बहुत से बात की तो थी, लेकिन वो कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं है। उसके गुस्से से तो मुझे परेशानी होती है। पता नहीं कब ये लड़का समझेगा। अब देखो मैं उसे कब से कॉल कर रही हूँ, मेरा फोन तक रिसीव नहीं कर रहा वो। पता है वो बीजान ने तुम्हारे बड़े पापा से बात की थी कि वहाज को और तुम्हें घर वापस लेकर आए। इसी सिलसिले में मुझे उससे बात करनी थी, लेकिन फोन ही नहीं उठा रहा वो तो। बड़ी मामा, वहाज जरूर बिजी होगा, आज सुबह से मेरी भी उससे कोई बात नहीं हुई। बस वो एक कैंडिडेट की वजह से बहुत परेशान है। आप दुआ करें कि सब कुछ ठीक हो जाए, फाइनल हो जाए। ये बिजनेस की टेंशन खत्म होगी तो शायद वो कुछ सुनने समझने लगेंगे। पर आप तो जानते हैं ना आज को, काम के आगे उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता। ठीक है रे बेटा तुम। चलो ठीक है बेटा, मैं तुमसे फिर बाद में बात करती हूँ, रस्ते में थी कहीं जा रही थी, बाद में तुम्हें कॉल करूंगी। वहां जाए तो उससे बोलना कि मुझे कॉल जरूर कर ले, ठीक है बेटा? श्योर, खुदा हाफिज। चलो मेरी जान, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। चलो इसी बहाने तुमसे मुलाकात भी हो गई। वैसे सालों गुजर जाते हैं तुमसे मुलाकात किए हुए। क्या बताएं, घर की मसरूफियात, इतनी जिम्मेदारियां, वक्त ही नहीं मिलता निकलने का। अच्छा एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ दिखाने आई थी। मैंने वैसे इंटरनेट पे सारा सर्च तो किया था, पर मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया। जितना भी समझ सकी मैंने तुम्हें दिखा दूं तो मुझे बता दोगी। ये था और उसके साथ ये भी है एक। ये तो दवाइयाँ एंगर इशू होता है ना जिन पेशेंट्स को, या कोई असाबी प्रॉब्लम, उनको दी जाती हैं। तुम्हारे घर में किसको कौन ले रहा है ये? नहीं, मेरे घर में तो कोई नहीं ले रहा ये मेडिसिन। अब वो दरअसल मेरी एक फ्रेंड है और उसकी बेटी की अलमारी से उससे ये मेडिसिन मिले, तो वो काफी परेशान हो रही थी। ओहो, अगर उसकी बेटी सेल्फ मेडिकेशन कर रही है तो ये तो बहुत परेशान कुन बात है। देखो, जब मेरे पास ऐसा कोई पेशेंट आता है तो उसके डोजेस से पहले उसका सारा चेकअप करते हैं और
डिसाइड करते हैं कि इसको कितनी दवाई किस मिकदार में देनी चाहिए। तुम्हें पता है इसके तो बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। Really? You mean कि अगर ये हाई डोज में लिया जाए तो इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं? देखो, ये कंटिन्यूसली जब पेशेंट यूज करता है तो दिमागी उसके जो आसाब होते हैं ना वो कमजोर हो जाते हैं, और लेते लेते वो कोई सही जजमेंट नहीं कर सकता। ये लोग अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी सकते, किसी और के कहने पे जिंदगी जी रहे होते हैं। इसलिए कि ये आसाब कमजोर होने की वजह से ये सही और गलत में फैसला नहीं कर सकते। इन पेशेंट को डील करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब किसी को डील करना आ जाए ना तो वो ही करते हैं जो वो उन्हें कहते हैं। कहाँ खो गई हो, क्या हुआ? हाँ बस सब खैरियत, ऐसी मैं सोच रही थी उस बच्ची के बारे में। ठीक है, मैं चाय आ रही होगी, चाय पी के जाना। इतने दिनों बाद आई हो, ये लो अपनी दवाइयां। इंशाल्लाह फिर आऊंगी, फिर आराम से बैठ के चाय पियेंगे, ठीक है ना? खूब सारी गप्पे भी लगाएंगे। अभी थोड़ी आना जरूर, ठीक है? जरूर जरूर। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अरे मिर्जान, तुम यहाँ अचानक कैसे? हाँ बस घर जाने का दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए आपके पास आ गई। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? मुंह लटका हुआ है तुम्हारा? डैड आप प्लीज मामा को वापस बुला लें, यहाँ पे मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मामा ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? देखो आपकी कॉल्स आ रही हैं काफी, आप कहीं जा रहे थे? मैं चलती हूँ। अरे 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 तुम बैठो, मैं कहीं नहीं जा रहा था भाई। ये लो, मैंने अपना फोन बंद कर दिया, ठीक है? अब बताओ क्या बात है? फ्रेंड मैं तंग आ गई, थक चुकी हूँ। वरीशा ये करो, वरीशा वो ना करो, वरीशा यहाँ जाओ, वरीशा वहां ना जाओ, हर वक्त मामा की उंगलियों पे नाचते हुए ना मैं थक चुकी। मेरी जिंदगी का कोई मकसद है भी कि नहीं, मैं हूँ किस लिए डैड? अरे बेटा रिलैक्स हो जाओ, यूनिवर्सिटी से थकी हुई है, फजूल की बातों को अपने जहन से निकाल दो। अच्छा बताओ क्या खाओगे? तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से कुछ मंगाते हैं, फिर डैड और बेटी दोनों मिलकर पार्टी करते हैं, ठीक है? डैड प्लीज डोंट चेंज द टॉपिक, प्लीज मुझे बात करनी है आपसे। आप मामा को यहाँ बुलाएं वापस।